गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट की सहायता से। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी और वहाँ पर हम लोगों ने पूरा कोड वगैरह ढंग से लिखा हुआ था, बहुत सही से हम लोगों ने काम किया था। और यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं कि एक नई फाइल बनाएंगे और नई फाइल बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या कि एक यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगा जिसमें कि मैं ये जो क्यू है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट से आप लोगों को बता रहा हूँगा। ठीक है, तो ये हमारा 46th वीडियो है, तो यहाँ पर मैं 46 लिखूँगा और मैं लिखूँगा अंडरस्कोर क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट डॉट सी। ठीक है, सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड डालूँगा। यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड मैंने डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट कोड डालने के बाद मैं अपनी लिंक्ड लिस्ट के बेसिक्स पे आ जाऊँगा। यानी कि मैंने जो आप लोगों को लिंक्ड लिस्ट बताया था, मैं यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट का कोई प्रोग्राम खोल लेता हूँ जिसमें कि मैंने लिंक्ड लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बना रखा है। मैं अपने इस लिंक्ड लिस्ट के स्ट्रक्चर को वापस से ले आऊँगा और यहाँ पर मैं ये सब बंद कर देता हूँ इस तरह से, और जितने भी प्रोग्राम्स खुले हुए वो मैं बंद कर रहा हूँ, सिर्फ ये दो खोलना चाहता हूँ मैं। और ये जो 46 वाला प्रोग्राम है इसके अंदर मैं ये स्ट्रक्चर अपना पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। हाँ, हम लोग मेलॉक यूज़ करेंगे और हाँ, हम लोग stdlib.h को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्ट नोड जो है ये लिंक्ड लिस्ट के लिए मैंने बनाया है कि भाई स्ट्रक्ट नोड इन डेटा और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि एक फ्रंट पॉइंटर बनाऊँगा और एक रेयर पॉइंटर बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार f और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार रेयर। ठीक है, तो मैंने एक फ्रंट पॉइंटर बनाया, एक रेयर पॉइंटर बनाया और दोनों को मैं इनिशियली क्या करूँगा, नल कर दूंगा। मैं नल कर दूंगा दोनों को। क्यों किया नल मैंने दोनों को, क्योंकि इनिशियली दोनों नल रहेंगे, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई कंटेंट नहीं रहेगा, फ्रंट भी नल रेयर भी नल। जैसे जैसे मैं एन क्यू या डी क्यू करूँगा उस हिसाब से ये चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लिंक्ड लिस्ट है ये हम सोलली किसके लिए बना रहे हैं, हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी बात मैं आप लोगों से करूँगा वो लिंक्ड लिस्ट को क्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो लिंक्ड लिस्ट रहेगी उसको हम एकदम क्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने किया है यहाँ पर अभी। तो फ्रंट पॉइंटर बनाया, रेयर पॉइंटर मैंने यहाँ पर बनाया। सो गाइज, ये वो वन नोट नोटबुक है जहाँ पर मैंने आप लोगों को एन क्यू और डी क्यू सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्यू लिख लेते हैं जल्दी से पहले। ठीक है, जो हमारा एन क्यू है उसको हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से लिख लेते हैं कि यार एन क्यू में हमें क्या करना है। तो एन क्यू करने के लिए मैं क्या करूँगा, वॉइड एन क्यू लिखूँगा। और मैंने ये वन नोट नोटबुक इसलिए खोली है ताकि मैं यार आप लोग को इस तरह से इसका रेफरेंस दे सकूँ कि भाई पहले क्या था, यहाँ पर हमारा फ्रंट यहाँ पर है, रेयर यहाँ पर है, फिर मुझे कुछ ऐड करना है अगर, तो मैं कैसे करूँगा, मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो रेयर पे ऐड करूँगा। पहली बात, नोट को ऐड करके रेयर को आगे बढ़ा दूंगा और जोड़ दूंगा रेयर से। तो एन क्यू सबसे पहले देख लेते हैं कैसे होगा। एन क्यू करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रक्ट नोट स्टार पॉइंटर चाहिए। कौन सा, एक तो फ्रंट चाहिए और कौन सा चाहिए, एक नोड स्टार रेयर चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये करने के साथ साथ एक वैल्यू भी लूँगा जो कि मैं अपने क्यू में एन क्यू कराना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना तो ये फॉर्मेट कर देता है कोड को अच्छी तरह से, और आपका कोड जो है वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक चीज़ है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट नोड स्टार एन बनाऊंगा, एक नोड स्टार एन इस तरह से बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्ट्रक्ट नोड स्टार मलॉक, यानी कि डायनामिकली मैं इस नोड को बना रहा हूँ मलॉक। और उसके बाद मैं लिखूँगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर स्टार आएगा, स्टार कहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं इसको एक पॉइंटर बनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लिखा। यहाँ स्टार क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको टाइप कास्ट करना चाहता हूँ एक स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर में, और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर का साइज लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने स्ट्रक्ट नोड लिखा। ठीक है, खैर ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस करके शुरू से देखे तो मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे हो कि यार आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब यहाँ पर मैंने नोड बना लिया तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर कि कहीं क्यू फुल तो नहीं हो गई है, तो मैं लिखूँगा इफ इज़ फुल। इज़ फुल क्या, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इज़ फुल नहीं बनाता हूँ अलग से, मैं यहाँ पर सीधे ही जो एन है इसको चेक कर लेता हूँ कि यार ये कहीं एन जो है वो नल तो नहीं है, क्योंकि यार अगर ये एन नल है तो मैं प्रिंट करना चाहूँगा
क्यू इज़ फुल, मैं कहूँगा क्यू इज़ फुल, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स और लिखूँगा एन का डेटा, तो सबसे पहले वैल के बराबर कर दो, यानी कि वो जो नया नोड बन रहा है उसका डेटा जो है उसके अंदर वैल्यू डाल दो। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद रेयर के नेक्स्ट को मैं एन बनाऊँगा, ठीक है, और एन के नेक्स्ट को नल बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले एन का नेक्स्ट नल बन जाए। लेकिन मैंने एक स्पेशल केस के बारे में बात की थी, और वो स्पेशल केस क्या था, वो स्पेशल केस ये था कि जो आपका अगर फ्रंट और रेयर दोनों नल हैं, जैसे कि जो कि केस है ही अभी यहाँ पर, फ्रंट और रेयर दोनों नल है, तब आप क्या करोगे। अगर आपका फ्रंट और रेयर दोनों नल है तब तो आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट और रेयर दोनों को डील करना पड़ेगा, आपको दोनों को एंड से पॉइंट कराना पड़ेगा जो कि नया नोड आपने बनाया है। तो ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि यार आपने अगर एक नया नोड बनाया है तो आप फ्रंट को और रेयर को दोनों को उससे पॉइंट करा दोगे। वो एक स्पेशल केस था जब हमारा फ्रंट और रेयर, अगर हमारा फ्रंट नल है तो, ठीक है, अगर हमारा फ्रंट नल है तो हम दोनों को, फ्रंट और रेयर दोनों को उस नोड से पॉइंट करा देंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा, मैं कहूँगा कि अगर हमारा जो एफ़ है वो इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल है तब क्या करो, तब एफ इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू नल, ठीक है, और इतना से इंसर्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आर के नेक्स्ट को कर देंगे नल, सॉरी आर के नेक्स्ट को एन करेंगे, क्योंकि जो आर का नेक्स्ट है, ये जो आर का नेक्स्ट है वो इस नोड पे पॉइंट करेगा, नल नहीं, एन के नेक्स्ट को नल करेंगे, जो कि हमने कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, देखो मैंने एन के नेक्स्ट को नल कर दिया, आर को मैंने इस नोड से जोड़ दिया, ठीक है। फाइनली मैं क्या करूँगा, फाइनली ये जो आर है, अब रेयर ये थोड़ी ना रहेगा, एक और एलिमेंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो रेयर ये तो नहीं रहेगा, रेयर नेक्स्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आप लोगों को यार ये चीज़ करके ही दिखा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पर मैंने एक और नोड बनाया, ठीक है, मान लो मैंने ये नोड बनाया यहाँ पर, तो मैंने इस तरह से जोड़ दिया ये नोड, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से ये नोड जोड़ा और इसको मैंने नल बना दिया, ठीक है, खैर मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था, बट अगेन अगर मान लो मैंने इसको नल बना दिया तो क्या होगा, मुझे ये जो आर है इसको भी तो आगे बढ़ाना होगा, अब आर मुझे यहाँ पॉइंट कराना होगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो आर है वो एन के बराबर हो जाए, क्योंकि ये जो मेरा एन वाला नोड है वो ये है, ठीक है। तो मैं आर को एन के बराबर कर दूंगा ताकि मेरा रेयर पॉइंटर करेक्टली रेयर बन जाए, क्योंकि एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है तो सबसे पीछे वाला पॉइंटर कौन सा होगा, लास्ट एलिमेंट जो है, अगर इस क्यू में एक और इंसान आ गया तो लास्ट इंसान रेयर वो बन जाएगा ना, इसलिए मैं रेयर को चेंज कर दूंगा, यहाँ पर पॉइंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर इज इक्वल टू एन, सिर्फ इतना करूँगा, ठीक है, सिर्फ इतना करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैंने लिंक लिस्ट को ना डिस्प्ले करने का एक फंक्शन बनाया था, ये देखो मैंने ये बनाया था एक फंक्शन, मैं इसको यूज़ करूँगा ऐसे कैसे, लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल नाम से, इसको अभी मैं यूज़ करूँगा, मैंने अभी कॉपी किया इसको, अभी मैं यूज़ करूँगा इसको, बट उससे भी पहले मैं ये जो एन क्यू है ये मैंने लिखा है, ये मेरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं ये मैं देख लेता हूँ। मैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल को एक एफ दे दूंगा, जो फ्रंट पॉइंटर है वो दे दूंगा, फ्रंट पॉइंटर ही ले रहा है ना ये, हाँ एक पॉइंटर ले रहा है ये, और मैं अगर अभी इसको चलाऊं तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पर देख लो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि ये खाली है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंटिंग दी एलिमेंट्स ऑफ दिस लिंक लिस्ट, ठीक है, बैक स्लैश एन हो गया यहाँ पर, और उसी के साथ साथ लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल एफ यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये लिख कर आएगा कि यार प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट, कुछ था नहीं तो प्रिंट नहीं किया। मैं एन क्यू करा दूंगा, क्या एन क्यू करा दूंगा और कहाँ कराऊंगा, तो एन क्यू मेरा क्या ले रहा है, फ्रंट रेयर ले रहा है और उसी के साथ साथ एक वैल्यू ले रहा है, मान लो वो 34 है, ठीक है। और ऐसा मैं क्या करूँगा, दो तीन बार करूँगा, एक बार चार को करा दूंगा, एक बार सात को करा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं रन करने के बाद लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल एफ फिर से करूँगा, ठीक है, इसको मैं रन करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिंक लिस्ट, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर यार एक गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि जो फ्रंट और रेयर है उनकी कॉपी जा रही है, जब मैं इस फंक्शन को सेंड कर रहा हूँ एफ और आर, तो एफ और आर की कॉपी जा रही है यहाँ पर इन क्यू में, तो क्या होगा कि ये कॉपी यहीं पर चेंज हो जा रही है, कुछ रिटर्न हो नहीं रहा है। पहले मैं जब अपना लिंक लिस्ट में यूज़ करता था तो मैं हेड पॉइंटर को रिटर्न कर लेता था, जब मैं इंसर्ट करता था तो हेड को रिटर्न करता था और उसी हिसाब से मैं अपडेट करता था। यहाँ मैं चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर बना लूँगा एफ और आर को। तो मैं काम करता हूँ, जो एफ और आर है इनको एट द टॉप डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे जो एफ फ्रंट और रेयर है उनको मैंने नल बना दिया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और मुझे यहाँ पर फिर फ्रंट और रेयर देने की भी ज़रूरत नहीं है,
मैं यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ कि ये तो मेरे ग्लोबली उपलब्ध है ना, तो मुझे इसको पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखना आप लोग यहाँ पर कि इनिशियली क्या हुआ, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिंक लिस्ट इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने प्रिंट किया लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल एफ, तो क्या हुआ कि ये एफ जो था वो चेंज हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। फ्रंट और रियर को मैं नल नहीं करूँगा, फ्रंट और रियर को मैं एन कर दूंगा। एन क्यों करूँगा? फ्रंट और रियर को एन इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी कि यार जब सिर्फ एक एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं तो फ्रंट और रियर दोनों को हम एन कर रहे हैं। तो कपल ऑफ मिस्टेक्स, कोई बात नहीं यार, मैंने ठीक किया उनको। और मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पर 34, 4 और 7 हमारा एन क्यू हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें मान लो 17 को भी एन क्यू कराऊँ तो 17 भी देखो यहाँ पर NQ हो जाएगा। अब मैं DQ लिखता हूँ। DQ हमारा बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। DQ क्या करेगा? एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मैं काम करता हूँ यार कि इसको कॉपी करता हूँ और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उसको रीयूज़ करूँगा, DQ करूँगा। और DQ मैंने आप लोगों को बताया था, DQ जो है कुछ भी नहीं लेगा, बजाय ये क्या करेगा, एक इंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं DQ करने के लिए क्या करूँगा? DQ करने के लिए मुझे क्या करना है, फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है और जो वैल्यू थी फ्रंट पॉइंटर की उसको रिटर्न कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं एक वैल बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट वैल, जिसको मैं -1 से इनिशियलाइज कर दूँगा इनिशियली। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक स्ट्रक्ट पॉइंटर बनाऊँगा। ठीक है, जो कि मैंने बना दिया है अपना ही नोड का पॉइंटर बना दिया है स्टार एन। यहाँ पर मैंने PTR करके बनाया है, एन करके नहीं बनाया, तो यहाँ भी PTR ही बना लेता हूँ। या नाम तो कुछ भी रख सकते हो यार आप, नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको QMT के लिए चेक करना है। और मैंने आप लोगों को QMT की जो कंडीशन है वो बता रखी थी। QMT हमारी कब होगी? QMT की सिंपल सी कंडीशन है, जब आपका जो फ्रंट है वो अगर नल हो जाता है तो आपकी जो क्यू है वो क्या होगी, आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस कंडीशन को, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर कि इफ़ जो एफ है वो इक्वल्स टू नल हो जाए तब हम क्या करेंगे, क्यू इज़ एम्प्टी लिख देंगे यहाँ पर। और क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर, इस एल्स ब्लॉक के अंदर जैसे कि मैंने बताया एफ़ को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा इस सब चीज़ को मिटाता हूँ मैं, और f इज इक्वल टू f का नेक्स्ट करेंगे सबसे पहले तो। लेकिन जो PTR है उसको हमें f के बराबर भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने किया है, जो PTR है उसको मुझे f पे पॉइंट कराना होगा। देखो ये चीज़ मैंने कर भी रखी है, यहाँ पर PTR को मैंने f पे पॉइंट कराया, फिर f को आगे बढ़ा दिया और PTR को फ्री कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, f को मैंने नेक्स्ट किया, val इज इक्वल टू PTR डेटा कर दूंगा, जो val है उसमें PTR का डेटा स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैं फ्री कर दूंगा PTR को। ठीक है, तो ये तीन लाइनें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, F को नेक्स्ट कर दिया, फिर उसके बाद PTR डेटा जो है वो रिटर्न कर दूंगा, फ्री कर दिया पॉइंटर को। और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूँगा, वैल रिटर्न करूँगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जब Q में कुछ था ही नहीं, DQing एलिमेंट परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकस्लैश एन और यहाँ पर लिख दूंगा मैं परसेंटेज डी, नहीं यार क्या लिख रहा हूँ मैं डी क्यू इस तरह से चला दूंगा। ठीक है, तो हमारी क्यू में से डी क्यू हो जाएगा और ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ले कुछ नहीं रहा है तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये -1 रिटर्न करना चाहिए इसको, ये देखो इसने -1 रिटर्न किया क्योंकि कुछ था ही नहीं। जब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे तो ये एम्प्टी था, तो हमने यहाँ पर क्यू इज़ एम्प्टी लिख कर आया, फिर डी क्यूइंग एलिमेंट -1, क्योंकि यार जब आप डी क्यू कर रहे हो और क्यू एम्प्टी है तो -1 आएगा। यहाँ भी एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, अब फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखो डी क्यूइंग एलिमेंट -1, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिंक लिस्ट 34, 4, 7, 17। ठीक है, इस तरह से ही बन के आ गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को डाल दिया उसके बाद मैंने कुछ डी क्यू किया नहीं, तो मैं काम करता हूँ, एक बार डी क्यू भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी ये लाइन डाल देता हूँ। अगर मैं ये लाइन यहाँ डालूँ तो कौन सा वाला एलिमेंट निकलेगा सबसे पहले? 34 निकलेगा, क्योंकि 34 सबसे पहले आया था। तो यहाँ पर देखो जब मैं डी क्यू करूँगा तो यहाँ पर डी क्यूइंग एलिमेंट 34 आ गया, और डी क्यू के बाद सिर्फ तीन एलिमेंट्स रह गए, 4, 7 और 17। तो ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं तीन बार और डी क्यू कर दूं तो चारों एलिमेंट्स डी क्यू हो जाएंगे और आपको वापस से क्यू इज एम्प्टी मिलेगा। तो ये देखो
सबसे पहले मैंने डी क्यू करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, क्यू इज़ एम टी मिला। लेकिन इसके बाद डी क्यू मैं चारों एलिमेंट्स को कर पाया, लेकिन क्यू खाली थी तो इसलिए इसने कुछ यहाँ पर प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो आई होप कि आज ये चीज़ आप समझ गए। क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट का कोड भी हमने लिख लिया, मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पर बना लिए हैं। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में इस चीज़ को करते हो तो आप क्लासेस की मदद से बहुत आराम से कर सकते हो, बट ये कोड बेसिक है और आपको समझ में आ जाना चाहिए यार। अगर आप लोगों को जो फंडामेंटल्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो यार वो मैंने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में बता रखा है, तो अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो यार आपको देखनी चाहिए प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में मेनली यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार इसको यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।